हाई माई डियर स्टूडेंट्स हाव अू वेलकम टू दस सेशन माई नेम इज़ जूही नरूला और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अपने फोकस को इंटैक्ट रख सकें राइट right? ये बड़ा कॉमनली सीन चैलेंज है जो स्टूडेंट्स अक्सर इनकाउंटर करते हैं कि जब मैम पैसेज पढ़ रहे हैं ना तो बहुत बोर्डम आ जाता है या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा पैसेज पढ़ लिया और एक जनरल क्वेश्चन आया तो हम उसे डील ही नहीं कर पाए राइट right? क्योंकि अब अगर आप पैसेज में मेन आइडिया प्राइमरी पर्पस टोन स्ट्रक्चर नहीं पकड़ पाए तो इस केस में आपको पूरा पैसेज वापस पढ़ना पड़ेगा जो एक्चुअली हम अफोर्ड नहीं कर सकते सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट व्हाट इज द राइट वे टू डील विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो जो एक पैसेज हमने पिक किया है एक ही पैसेज करेंगे और एक ही क्वेस्चन है तो पैसेज बड़ा टेक्निकल ट्रिकी बोरिंग पिक कर लिया है सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू इनकाउंटर अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैसेज इन योर एग्जाम देन हाउ आर यू

पढ़ते थे तो हम कहते थे कि भाई हमारे प्रोफेसर हमें फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं और मुझे इस इन्फॉमेसन को यूज़ करके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं क्वेश्चन एग्जाम में आंसर करने हैं तो मैं क्या करती हूँ मैं डिटेल में सब कुछ लिख लेती हूँ मैं कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर सकती राइट तो वो तो हो गई नोट मेकिंग वो तो ऑफकोर्स हमको नहीं करनी क्योंकि हमारे पास इतना तो टाइम ही नहीं है पर हम क्या कर सकते हैं मैपिंग कर सकते हैं मैपिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड मैप कि आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि पैसेज कन्वे क्या करना चाह रहा है राइट right? तो मैपिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग और सिंपल स्ट्रैटेजी है दिस इज नॉट वेरी फैंसी एज द नेम माइट साउंड देखिए आपने एक बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन पता नहीं करा है नहीं करा पर जैसे ही आप मैथ्स में काम करते हो आप हमेशा स्क्रैच पेपर वर्क कर रहे होते हो हमेशा आप करते हो राइट तो आप देखते हो कि आपके आंसर्स बड़े क्विकली करेक्टली निकल कर आते हैं आपको कन्फ्यूजन नहीं होता आप डरते नहीं हो भटकते नहीं हो मतलब अगर आपको आंसर मिल गया ट्वेंटी और ये सी चॉइस में है तो आप अगर डी में ट्वेंटी है तो आपको ट्वेंटी बिल्कुल भी यू you नो know, अपनी तरफ खींचेगा नहीं सो यूल बी वेरी हैप्पी इन पिकिंग ट्वेंटी

के दिमाग में समा जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना ये तो आपने ही अपने लिए एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दिया और इसके प्रेशर में ही आप आधे खत्म हो जाते हो राइट सो दिस इज नॉट द राइट वे अब स्क्रैच पेपर वर्क वर्बल में भी करना है बट वर्बल में इंटेलिजेंटली करना है बहुत कम करना है बट वेन एवर योर पेंसिल इज मूविंग अगर आप थोड़ा बहुत स्क्रैच पेपर वर्क करना शुरू कर दोगे आप ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट देखोगे इन योर फोकस इन योर एक्यूरेसी वाइल यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चन राइट सो हाउ डू यू डू मैपिंग आप कोई भी एक सेंटेंस पढ़ लीजिए और उसमें वन और टू की वर्ड जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो हम कहते हैं कि भाई क्या करो की वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लो राइट सो आइडेंटिफाई की वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस अब आप कहोगे मैम ट्रांजिशंस तो आपके फेवरेट है बिल्कुल आप मुझे ना इंग्लिश में ब्रांड एम्बेसडर बना दो ट्रांजिशन वर्ड्स का आई वुड हैप्पीली डू इट चाहे पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन हो चाहे समरी का हो चाहे पैरा जम्बल्स हो चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशनस हो अगर आप ट्रांजेक्शन्स को पकड़ोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी आपको समझ में आएगा कि पैसेज कैसे प्रोग्रेस कर रहा है राइट right? और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में तो आप ट्रांजेक्शन्स का इतना यूज देखोगे और आप कहोगे कि वाह ट्रांजेक्शन्स

दूसरा ट्रांजिशन वर्ड्स को डेफिनेटली ऑब्जर्व करिए राइट तो ट्रांजिशंस में आप कंक्लूजन इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांजिशंस भी कह सकते हैं इनको ऑब्जर्व करिए एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ फोकस कमिंग योर वे तो एक ट्रिकी पैसेज को करके फोकस बिल्ड करते हैं राइट सो लेट्स सी वन पर्टिकुलर पैसेज बड़ा सा यू नो ट्रिकी पैसेज है आपको क्या करना है अब यहाँ पर तो क्योंकि आ, हम हमारे पास बोर्ड है पेन है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं होगी राइट यू वुड नॉट हैव दिस चॉइस तो आप कोई भी क्राफ्ट पेपर ले लो कभी मना नहीं करेंगे अगर आप उनसे कहोगे ना मुझे दो की जगह चार स्क्रैच पेपर पेपर्स चाहिए वो आपको कभी मना नहीं करते वो ऐसा नहीं कहते कि मैथ्स के लिए देंगे हम इंग्लिश के लिए नहीं देंगे राइट सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट

पर एटलीस्ट पता तो चलेगा ना कि क्या आ गया वो क्लैरिटी होना जरूरी है कि वॉट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट राइट तो वॉट का यूजल आंसर आपको पहले सेंटेंस में मिल जाता है राइट सो लेट स्टार्ट रीडिंग दिस दिस इज अ फैंसी पैसेज दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट बट लेट्स सी हाउ थ्रू मैपिंग यू कैन रियली मेक इट इजी दो एप्लीकेशन तो ट्रांजिशन से ही वर्ड स्टार्ट हुआ दो एप्लीकेशन ऑफ इवोल्यूशनरी टू साइकोलॉजी ऑफ एनिमल्स इज जनरली डन विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एज इट इज अप्लाइड टू ह्यूमन साइकोलॉजी इज क्वाइट कंटेंशियस इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कंटेंशन कंटेंशन का मतलब कॉन्ट्रोवर्सी है यहाँ पर राइट सो वॉट इज हैपनिंग हियर इसने कहा कि जो एप्लीकेशन ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी आप कर रहे हो टू द साइकोलॉजी ऑफ एनिमल्स दैट इज जनरली डन विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी तो एनिमल्स पे इट इज डन विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एज इट इज अप्लाइड टू ह्यूमन साइकोलॉजी इज क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंशियस तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी मुझे ऐसे ई वी ओ पी एस वाई से समझ में आता है आप भी आपको समझ में आ जाए वैसा लिखना जहां पे पूरा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और डिटेलिंग नहीं करनी बार बार मैं कह रही हूं ये गलती मत करना राइट डोंट टेक दिस इन रॉन्ग वे वेर यू आर डिटेलिंग एट दैट सॉर्ट ऑफ बैंड विच वी डू नॉट हैव आपका पेपर नहीं खत्म होगा तो मैं कह दूंगी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी अप्लाइड टू ह्यूम कॉन्ट्रोवर्शियल ठीक है बस पहली लाइन को अगर आप थोड़ा डिटेल में लिखना चाहो थोड़ा मतलब जैसा मैंने लिखा बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना क्योंकि तब हमें पता चल गया ना कि डिस्कशन किस बात पे हो रहा है तो आपको बाकी पैसेज को रीड करने में ईज मिलेगी अब आगे पढ़ते हैं सो प्रोपोनेंट्स हु आर स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ़ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बिलीव दैट साइकोलॉजी मस्ट बी रूटेड इन बायलॉजी तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी अबाउट इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी तो मैं इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी लिख के प्लस प्लस लिख दूंगी मतलब आइडिया को बिल्ड किया देखिये अब अगर मैं यहां पर लड़ने लग जाऊँ यहां पर स्टेटमेंट को इंफॉर्मेशन को यू नो रिटेन करने की कोशिश करने लग जाऊँ तो मैं अपना गेम डिफिकल्ट कर रही हूँ राइट अब हो सकता है कि मैंने यहां पर बहुत टाइम दे दिया और इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया और दूसरा हो सकता है कि मैम क्वेश्चन नहीं आया तो अच्छी बात है आ गया तो क्या करोगी आ गया तो हम वापस आ जाएंगे मैपिंग के जब हम पैसेज रीड कर रहे हैं हम तीन ऑब्जेक्टिव को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पहला मेरा फोकस ना लूज हो तो जैसे ही मैं थोड़ा स्क्रैच पेपर वर्क करना शुरू कर दूंगी मेरा फोकस ज्यादा बैठने लग जाएगा क्योंकि मैं हर सेंटेंस में यह सोच रही हूं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं नोट डाउन कर सकती हूं इन अ वर्ड और टू राइट दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो भी क्वेश्चन है जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट पे बेस्ड है उसको मैं आंसर कर दूं तो मुझे पता चल जाए कि व्हाट पनिंग इन द डिस्कशन वो क्लैरिटी होना जरूरी है यह आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए मेन आइडिया प्राइमरी पर्पज टोन स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पे अगर आपको वापस जाना पड़ गया तो इसका मतलब पूरा पैसेज वापस रीड करना पड़ जाएगा यह तो एक क्राइम है आप नहीं कर सकते राइट सो प्लीज अंडरस्टैंड रीडिंग द इंटायर पैसेज ऑल ओवर अगेन इज समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू तो अभी आप प्रैक्टिस करो ना इसकी हैबिट बिल्डिंग भी मत करो क्योंकि आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे टाइम का आपका लिमिट टेंशन रहेगा तो यू आर

नेवर ट्राई टू रिटेन टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन क्योंकि अगर आपने रिटेंशन के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर किया तो आप किसी मेमोरी ट्रैप में फंस जाओगे राइट right? किसी कन्फ्यूजिंग चॉइस में आप फंस जाओगे और अगर क्वेश्चन आता है सपोज यहाँ से कहा कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की कौन सी डिटेल्स ऑथर ने मैंशन करी कौन सी नहीं करी तो वी विल कम बैक बट मैपिंग का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वी शुड नो वेयर टू कम बैक हमें पता होना चाहिए कहां पर लेकर कहां से मिलेगा आंसर राइट सो दैट सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी कहां से मिल जाएगी दैट सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिटी हमको हमारे नोट मेकिंग जब कर रहे हैं आप मैपिंग कर रहे हो उससे मिल जाएगी स्क्रैच पेपर से तो इसलिए पैराग्राफ्स को क्लियरली लिखी जैसे मैंने यहां पर लिखा है पैरा वन तो ये आपको भी करना है राइट क्लियरली नोट द पैराग्राफ वन की बात हो रही है पहला सेंटेंस ने ये कहा मे बी दिस वन सेंटेंस टू इज बिल्डिंग द आइडिया तो मैंने लिख दिया प्लस प्लस मतलब इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग साइकोलॉजी ऐसा मुझे समझ में में आता है है देखिए ये आप बिल्कुल पर्सनलाइज तो 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 रद्दी जा रहा है ना इसके नंबर तो मिल नहीं रहे आपको तो यहां पे सजा सजा के शुरू करेंगे जस्ट एज द बॉडी सर्क्यूलेटरी डाइजेस्टिव इंडोक्राइन इम्यून लिम्फेटिक मस्कुलर नर्वस रेप्रोडक्टिव Respiratory, skeletal, and urinary systems are evolved adaptations resulting from natural selection or sexual selection. So, too, must the seemingly inherent psychological mechanisms be the result of evolution. मुझे पानी चाहिए राइट तो देखिए इतना लंबा सेंटेंस है अब यहाँ पर आप देखो कैसे ट्रैप क्रिएट किया आपको डेलिबरेटली ऐसे लंबे सेंटेंसेस देंगे ताकि स्टूडेंट्स अपना फोकस लूज करें आप देख रहे हैं जो मैंने अंडरलाइन किया इसकी जगह वो सिर्फ बॉडी सिस्टम्स लिख देते तो भी बात समझ में आ रही थी दे आर जस्ट स्ट्रेचिंग द सेंटेंस राइट और एक बार में तो आपको पक्का समझ नहीं आएगा तो आप क्या कह दो कि हाँ भाई देर इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको कोई भी इस तरह का सेंटेंस मिल रहा है तो आपको उसको री re रीड नहीं करना मल्टीपल टाइम्स सो so, तो दो डेलिबरेटली एक स्पीड ब्रेकर क्रिएटेड है और आप ऑब्जर्व करोगे कि अक्सर इनसे क्वेश्चन भी नहीं आते आप इसको पॉन्डर करिएगा पर स्टूडेंट क्या करता है अगर आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में हो ना आप इसी सेंटेंस के अराउंड गोल 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 घूमते रहोगे इतना स्ट्रेस ले लोगे आप आने वाले तीन सिंपल पैसेजेस खराब करोगे सपोज दिस कम्स एज द फर्स्ट पैसेज ये सेंटेंस पढ़ा आपने आप इतने घबरा गए इतने इंटमिडेट हो गए कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे और यहाँ से यूजली क्वेश्चन नहीं आता अब आई एक्चुअली डू वन क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ सो डोंट गेट इन टू दिस राइट अब अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया तो हम यहां पर आ जाएंगे तब हमें सिर्फ एक सेंटेंस लड़ना है अभी मेरे पास क्या प्रेशर है और मे बी अगर इतने टेक्निकल से एक क्वेश्चन आ भी गया सो वी कैन सी वेदर वी वॉन्ट टू अटेम्प्ट और नॉट बट स्टिल यूल बी एबल टू अटेम्प द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स राइट सो दैट सॉर्ट ऑफ यू नो जजमेंट वी कैन मेक बट डोंट गेट कॉट ही पर अगर आप फंस गए ना तो आप क्या करोगे आप आने वाले पैसेजेस में अपनी परफॉर्मेंस को खराब कर दोगे तो डोंट लीव द पैसेज सी दैट दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ना सी दीज साइकोलॉजी बिलीव दैट नेचुरल सिलेक्शन एज इन जेंडर्ड इन जेंडर्ड होता है कॉज्ड एक होता है इनडेंजर इन डेंजर्ड स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज खतरे में है राइट right? और ये इन जेंडर्ड है दिस इज कॉज्ड Many cognitive modules in the brain, ranging from language acquisition modules to cheater detection modules. Survivability and sexual selections एंड which सिलेक्शन डिटरमाइन विच मॉड्यूल्स अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब मुझे पर पैराग्राफ में क्या हो रहा है ये पता चल गया इसने कहा कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जब ह्यूमन बींग्स में अप्लाई करते हैं तो कॉन्ट्रोवर्शियल है और बाकी सारे पैराग्राफ ने इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के बारे में डिटेल्स दे दी है बस इतना सफिशियंट है राइट अगर आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई तो आपको समझ में आ गया हाउ आर द आइडियाज फ्लोइंग राइट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ This is paragraph टू राइट सो हियर यू कैन जस्ट राइट दिस इज पैरा टू ठीक है चलिए सम क्रिटिक्स ऑफर सेवरल ऑब्जेक्शन टू एक्सटेंडिंग दिस एप्लीकेशन टू ह्यूमंस तो क्रिटिक्स यहां पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं वाइल अप्लाइंग दिस थ्योरी टू ह्यूमंस मैंने आपको कहा था हर पैराग्राफ की इनिशियल लाइन को थोड़ा सा स्लोली पढ़ लिए अब आप यहां पे देखिए आपको एक वर्ड देखेगा फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस ठीक है तो यहाँ पर सेंटेंस बिल्ड किया फॉर इंस्टेंस ह्यूमस इवॉल्व ड्यूरिंग अ पीरियड द प्लेसिक टोन अबाउट विच वेरी लिटिल असेंशियल डिमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एक पॉइंट प्रेजेंट कर दिया राइट एक ऑब्जेक्शन है अब मैं तो ट्रांजेशन को ऑब्जर्व कर रही हूँ मुझे दिख गया कि यार ये एडिशनलीस से तो दूसरा पॉइंट दूसरा ऑब्जेक्शन प्लेस कर दिया राइट अब आप यहाँ पर दिमाग लगा लो ठीक है आपने खूब दिमाग लगाया आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए कौन कौन से ऑब्जेक्शन्स है बीस मिनट लगा दिए एक भी सवाल नहीं आया राइट right? फिर तो आपका टाइम मैनेजमेंट खराब था ना राइट right? आपका जजमेंट गलत हो गया और सवाल आया ये भी तो आ सकता है कौन से ऑब्जेक्शन्स की बात करिए तो हम यहाँ पर आके आंसर ले लेंगे ना हमें एक बार तसल्ली से पढ़ना है तो हम तब पढ़ेंगे जब क्वेश्चन हमारे सामने हो गया अगर नहीं आया तो वी हैव सेव्ड सेव टाइम आ गया तो वी नो वे टू गो बैक राइट अब आगे बढ़िए सो कंसिस्टेंट हाइपोथिसिस दैट नेवर द लेस हैव नो अदर सपोर्टिंग इंस्टेंस अब मैंने देखा कि दिस स्केप्टिक्स आर्ग्यू कैन लीड टू कॉन्ट्रोडिक्टी कंक्लूजन आइडिया को बिल्ड कर रहा है फिर देखा फॉर एग्जाम्पल यानी फिर स्टेटमेंट के आगे एक और ऑब्जेक्शन की बात कर ली और लास्टली से ऑथर ने कंक्लूड कर दिया अब मैं आपको हर बार कहती हूँ ना ट्रांजेक्शन्स ऑब्जर्व करिए परफेक्ट एग्जाम्पल है यानी कि पैराग्राफ नंबर टू ने सिर्फ ऑब्जेक्शंस इन अप्लाइंग दिस टू ह्यूमन बींग्स की बात करिए राइट तो अगर आप देखोगे तो ये पूरे पैराग्राफ में ऑब्जेक्शन की ही बात हुई एंड नाउ वी आर सॉर्टेड राइट सो इफ द क्वेश्चन कम्स एट व्हाट आर द ऑब्जेक्शन रेज व्हाट आर द ऑब्जेक्शन नॉट रेज वी कैन गेट आर आंसर फ्राम यंड वी नो दर सेकंड पैराग्राफ वॉज टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्शन राइट सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पैराग्राफ सो दो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी दो फिर ट्रांसेशन आ गया Evolutionary psychology remains controversial. Many detractors, detractors मतलब जो ऑब्जेक्शन रेस कर रहे थे पीपल हु ऑब्जेक्शन ठीक है ऑब्जेक्शन जो रेस कर रहे थे वो डिट्रैक्टर्स है स्वीकारते हैं देर इनएक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ फर्स्ट हैंड नॉलेज विदिसिप्लिन तो जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेस किया उनके पास क्या है उनके पास एक तो इनएक्सपीरियंस है और दूसरा लैक ऑफ फर्स्ट हैंड नॉलेज है तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या डिटेक्टर्स uh, ने क्या कन्फेस किया सो यू कैन गेट योर आंसर फ्रॉम हियर एडमिटेडली द क्वालिटी ऑफ वर्क इन दिस फील्ड हैज बीन अन बट तो कहीं भी कोई भी प्रॉपर नाउन आएगा ना हमेशा इंश्योर करिए प्रॉपर नाउन आ रहा है कोई ईयर आ रहा है उसको जरूर मेंशन कर ले राइट उसको अपने स्क्रैच पेपर वर्क पे लिख ले तो उससे क्या होगा कि अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आया तो आपको पता है कौन सी लाइन से मेरे को आंसर मिलेगा तो पूछ सकता है कि एडवर्ड मेश्री को ऑथर ने क्या स्टेट किया या एडवर्ड मेश्री ने क्या स्टेट किया

इनएक्सपीरियंस uh, है, है और लैक ऑफ नॉलेज है और ऑथर ने एक दूसरे साइंटिस्ट एडवर्ड मेशरी का नाम लेकर यह कह दिया दैट दिस थियरी इज फर्मली ग्राउंडेड राइट अब कोई भी जनरल क्वेश्चन है आपको आइडिया क्लियर है अब आप सोचो यू बी ऑन द अदर साइड अब हम क्या करते हैं हमें सपोज करिए पैराग्राफ मिल जाता और हमसे पूछा जाता कि भाई एक काम करो इस पर तुम ना क्वेश्चन दे दो मेरे को तुम क्वेश्चंस बनाओ मैंने तुमको ये पैराग्राफ दे दिया तुम क्या बनाते कि कौन कौन से ऑब्जेक्शंस की ऑथर ने बात करी कौन से ऑब्जेक्शन की नहीं करी हम सेकंड पैराग्राफ में आ जाएंगे उसने कहा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की क्या क्या डिटेल्स हैं आप यहां पर आंसर रेस कर लोगे आपने कहा कि डिट्रैक्टर्स के क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर्स थे तो आप कह दो कि दो फैक्टर्स थे एक इनएक्सपीरियंस था एक लैक ऑफ नॉलेज थी एडवर्ड मेस्टरी को क्यों स्टेट किया कोई कैबलरी इन कॉन्टेक्सट का क्वेश्चन क्रिएट कर लोगे राइट पैसेज तो आपके कंट्रोल में या फिर एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है जैसा ये है प्राइमरी पर्प ऑफ सो वाई दिटर्न दी दू एक्सप्लेन दरिजिन कहीं ओरिजिन की तो बात ही नहीं हुई चॉइस तो बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगी रिजोल्व अ डिस्प्यूट कौन सा डिस्प्यूट हुआ कोई डिस्प्यूट ही नहीं है तो यह चॉइस भी एलिमिनेट हो गई रिकनसाइल द डिफरेंसिस कोई डिफरेंसेज uh, ही नहीं था तो रिकनसलेशन किसका होगा डिस्क्राइब अ फील्ड ऑफ रिसर्च हाँ पहले पैराग्राफ में उसने एवोल्यूशनरी थ्योरी uh, को सब डिस्क्राइब uh, किया एंड क्वेश्चन अगेंस्ट इट्स डिसमिसल डेफिनेटली उसने कहा उसने फिर ऑब्जेक्शंस की बात करी और उन्होंने कहा जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेस किए हैं वो तो इन एक्सपीरियंसड है उनके पास लैक ऑफ नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन कर दिया अगेंस्ट इज डिसमिसल वेरी प्रॉमिसिंग आंसर डू नॉट टेक डू नॉट टेक अ फाइनल कॉल टिल यू एक्सप्लोर ऑल द आंसर चॉइसिस सो लेट्स कम टू ई आर्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिबेट बिटवीन साइंटिस्ट रिगार्डिंग

डिटेल में नोट मेकिंग नहीं करनी मैपिंग करनी है एक या दो या तीन कीवर्ड्स वर्ड जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे और बाद में ना आपको वो विजडम आ जाएगी आप कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस से पता चलेगा राइट right? जितना आप प्रैक्टिस करोगे जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि वॉट आर द वर्ड्स दैट शुड बी पिक्ड वॉट इज इंपॉर्टेंट हाउ डू आई सिंपलीफाई माई राइटिंग एंड ऑफकोर्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अग्रेसिव प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आई होप यू रियली इंजॉयड सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डू अप्लाई दी स्ट्रेटेजीज ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल द बेस्ट